Hey guys, welcome back again to a new video. हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है ई रूपी। ये बेसिकली ये बोला जा रहा है कि 15 अगस्त का ये एक तोहफा है, बिकॉज इस 15 अगस्त को ये पूरी तरीके से लाइव कर दिया जाएगा और ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। यहाँ पे मैंने इसको कोर से रीड किया और फिर मैंने सोचा आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग करके इसके बारे में बताया जाए। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा मतलब कहानियाँ नहीं बनाएंगे, हम सीधे पॉइंट पे बात करेंगे कि क्या होता है ई रूपी, क्या है इसका पर्पज और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, पहली चीज़ यहाँ पे क्लियर कर ले तो ई रूपी कोई आपका डिजिटल करेंसी नहीं है, मतलब ये आपका बिटकॉइन टाइप या फिर आप सोच रहे कोई और करेंसी। सिंपली जो ई रूपी है वो डेवलप किया है आपके NPCI ने और इसके अंदर मिनिस्ट्री जो हेल्थ की हो गई या फाइनेंस की हो गई वो भी इन्वॉल्व है। तो बेसिकली यहाँ पे ई रूपी को आप ब्रेक डाउन करते हो तो तीन मीनिंग निकलती है। सबसे पहले यहाँ पे आता है ई मतलब योर इंटरनेट, जो कि इंटरनेट मीडियम से इधर से उधर जाएगा। सेकेंड हो गया आपका आर मीन्स रूपी। थर्ड हो गया आपका UPI, मतलब इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो एक मतलब स्कीम निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या डिजिटल ट्रांजेक्शन। अब ई रूपी का दोस्तों सारा जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल ये है कि ये पर्सन स्पेसिफिक होगा और ये पर्पस स्पेसिफिक होगा। ये यहाँ पे मेन टर्म है समझने का, इसके बाद आप ई रूपी को लेकर पूरे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके घर वालों ने ट्यूशन फी दी जो कि आपको आपके टीचर को जाके सबमिट कर लिए जिसके यहाँ पे आप ट्यूशन ले रहे हो, लेकिन आप क्या करते हो यहाँ पे टीचर को जाके आधे पैसे देते हो और आधे पैसे के आप मूवी देख लेते हो, पार्टी कर लेते हो। तो यहाँ पे जो पर्पस था उस पैसे का, वो पर्पस आपने हिला दिया। इस तरीके से सिस्टम में बहुत सारे लूप होल आ जाते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट किसी पर्पस से पैसा देती है किसी कंज्यूमर को या किसी भी नागरिक को और उस पर्पस की वहाँ पे वाट लगा दी जाती है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे लूप होल आ जाते हैं। जो एंड यूजर है जिस तक वो स्कीम पहुँचनी चाहिए थी वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाती है। तो ये हो जाता है यहाँ पे पर्पस स्पेसिफिक। और पर्सन क्या होता है कि जो चीज़ जहाँ पहुँचनी चाहिए थी वहाँ नहीं पहुँची, बल्कि एक बिचौलिया बीच में आ गया या कुछ लूप होल आ गए जिसकी वजह से वो चीज़ बीच में अलग अलग डिविजन में बट गई। जैसे कि आपके ट्यूशन के पैसे टीचर तक पहुँच रहे थे लेकिन टीचर तक नहीं पहुँचे, अब वो सिनेमा थिएटर वाले को चले गए, वो मैकडी वाले को चले गए, वो बर्गर किंग वाले को चले गए, इस तरीके से वो पैसा बट गया। तो पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जो पैसा दिया जा रहा है वो आप तक ही पहुंचे और जिस काम के लिए दिया जा रहा है सिर्फ वही काम हो, इसको बोलते हैं ई रूपी का कॉन्सेप्ट। अब बेसिकली यहाँ पे चैलेंज क्या आ रहा था, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम लेके आती है जो कि एंड यूजर तक नहीं पहुंच पाता है और यहाँ पे कंज्यूमर को पता भी नहीं लगता कि वो उसका फायदा उठा पाया कि नहीं, और यहाँ पे कोई ट्रैकिंग सिस्टम भी नहीं है। मतलब गवर्नमेंट ने अगर फंड रिलीज किया किसी आदमी के लिए और वहां तक वो पहुंचा ही नहीं तो यहाँ पे फंड का कोई फायदा नहीं है, बिचौलिए जो है बीच में वो उसको खा पी के बिल्कुल खत्म कर देते हैं। तो गवर्नमेंट लेके आई ये नई स्कीम। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर गवर्नमेंट बोलती है कि भाई वो हर नागरिक को 500 रुपए देगी वैक्सीन लगाने के लिए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट अब क्या करेगी, बीच में किसी पर्सन को नहीं देगी, अब गवर्नमेंट डायरेक्ट उस पैसे को इन फॉर्म ऑफ QR कोड या फिर इन फॉर्म ऑफ SMS डायरेक्ट कंज्यूमर के मोबाइल नंबर पर भेज देगी। अब कंज्यूमर के पास भी यहाँ पे एक लूप होल क्रिएट होता है कि या तो उस पैसे को यूज ना करे या फिर वो उस पैसे को किसी और काम में लगा दे। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट चाह रही थी कि भाई जो पर्पस मिल्ट होना चाहिए था, मतलब हर नागरिक को वैक्सीन लगनी चाहिए थी, यहाँ पे उस पर्सन ने उस पैसे को कहीं और ले जाकर यूज कर लिया और यहाँ पे फाइनली उसको वैक्सीन नहीं लग पाई क्योंकि वो पैसा खत्म हो गया। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में जो गवर्नमेंट ने जिस पर्पस से पैसा दिया था वो यहाँ पे वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट अब क्या करने वाली है कि अब जो QR कोड पर्सन के मोबाइल नंबर पे आएगा वो उस पर्सन के लिए ही यूज हो सकता है, पहली चीज। एंड सेकंड थिंग, अगर वो वैक्सीन के लिए दी गई है तो वो वैक्सीन के लिए ही यूज होगा और कहीं यूज नहीं हो पाएगा। तो ये यहां पे पूरी कहानी होती है, मींस पर्सन स्पेसिफिक, पर्पस स्पेसिफिक। सिंपल, गवर्नमेंट अगर आपको पैसे दे लिया कि आप सिर्फ उस पैसे का राशन खरीद पाओ तो आप राशन ही खरीद पाओगे, गवर्नमेंट बोल रही है उस पैसे का सिर्फ आप घर खरीद पाओ तो घर खरीद पाओगे, गवर्नमेंट बोल रही है उस पैसे का सिर्फ आप वैक्सीन लगा पाओ तो वैक्सीन ही लगा पाओगे, आप पैसे को इधर उधर नहीं घुमा सकते हो। और यहाँ पे वो कोड जो है यूनिक कोड होता है उसको गवर्नमेंट किसी भी लेवल तक ट्रैक कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, गलती से आपने उस पैसे को इधर उधर घुमाया भी तो गवर्नमेंट एक जगह बैठकर देख सकती है कि उसने जो वाउचर इशू किया था वो एंड यूजर के पास गया कि नहीं और एंड यूजर के पास गया तो कहां यूज हुआ। तो इस तरीके से यहां पे गवर्नमेंट या फिर कोई भी जो आपको पैसा दे रहा है, आपको वाउचर दे रहा है, वो आप पे नजर रखेगा और अपने पैसों पे नजर रखेगा कि उसका एक्चुअल में यूज क्या हो रहा है। इसमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सारे बैंक इन्वॉल्व है और आप भी इसको यूज कर सकते हो आने वाले टाइम में। एक और बेनिफिट आता है यहां पे कि पहले जो डिजिटल सिस्टम था उसको यूज करने के लिए स्मार्टफोन की जरूरत है और थोड़ी बहुत अवेयरनेस की जरूरत है, लेकिन अगर आप बात करो Tier 1 Tier 2 सिटीज के बाहर तो बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पे स्मार्टफोन नहीं है, कीपैड वाले
फोन है जहाँ पे कोई QR कोड या कोई भी डिजिटल मतलब फोटोज वगैरह नहीं पहुंच सकती, उस केस में यहाँ पे SMS भेजा जाएगा और SMS के अंदर कैरेक्टर्स होंगे, कोड होगा, उस कोड को भी यहाँ पे रिडीम किया जा सकता है। दैट मीन्स कि ये जो स्कीम है ये सिर्फ उन लोगों से लिमिटेड नहीं है जिनके पास सिर्फ स्मार्टफोन है, बल्कि जिनके पास फोन नहीं है या बेसिक फोन है वो भी इसका पूरा फायदा उठा पाएंगे। तो यार ये थी सारी बातें यहाँ पे ई रूपी के बारे में। आई होप आपको वीडियो और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा आपने तो थैंक यू फॉर दैट। आगे मिलते हैं नई वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।